आई थिंक मैं सब क्रिएटर्स को बोलना चाहता हूँ कि लेट्स जस्ट क्रिएट. थैंक यू वेरी मच. दिस अवार्ड इज वेरी वेरी स्पेशल. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आप सभी का एक न्यू ट्रैवल एंड क्रिएटर फेस्टिवल में. एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिएटर फेस्टिवल मुंबई में होने जा रहा है और इस क्रिएटर फेस्टिवल में बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर आ रहे हैं, इंस्टाग्रामर आ रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, जैसा कि क्रेजी एक्स वाई जेड, टेक्निकल गुरुजी, सौरभ जोशी, एल्विस यादव, भुवन बम, आशीष चंचलानी और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर इस फेस्टिवल में आ रहे हैं. और आज के इस वीडियो में इस क्रिएटर फेस्टिवल में मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि आपके भाई के पास में ऑफिशियली इन्वाइट किया गया है. आज के इस वीडियो में इस क्रिएटर फेस्टिवल में जाएंगे, वहां का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा. और आप भी फ्यूचर में कभी भी क्रिएटर इवेंट या यूट्यूब के इवेंट में आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा. तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना. वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. सबसे पहले यहाँ से रिक्शा पकड़ के जाएंगे गोंडी स्टेशन और 10 से 15 मिनट रिक्शे का सफर करते हुए आ जाते हैं गोंडी स्टेशन. यहाँ से लोकल ट्रेन का टिकट लेंगे गोरेगांव के लिए क्योंकि गोरेगांव में ही क्रिएटर फेस्टिवल का इवेंट है. अभी इस वक्त हम जो है राम मंदिर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे हम जो है काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया था 10 बजे का ही टाइम दिया गया था और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 12 के आसपास हो गया है. 2 घंटा यहाँ पे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और उसके बाद में लेट इसकी वजह से हुआ है कि हमारे साथ में जो बेनल्ले रोजगार दोस्त है इसके वजह से ही लेट हुआ है. और देखो अभी ये ब्लॉगिंग भी कर रही है और इसी के वजह से ही लेट हो चुका है. और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. जो भी रहेगा मैं आपको आगे वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा. तो फाइनली गाइस, जो हमें लोकेशन मिला था उस लोकेशन पर अभी हम जो है आ चुके हैं. यहाँ पे देखिए यहाँ का ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे पार्किंग का भी सुविधा दिया गया है. यहाँ मतलब पार्किंग का बहुत सारी सुविधा है, 4-व्हीलर 2-व्हीलर का भी पार्किंग का सुविधा है. और अभी यहाँ से हम सीधा अंदर जाएंगे, वहाँ पे मतलब अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो रहेगा मैं आपको आगे वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा. यहाँ आने के बाद में बहुत सारे क्रिएटर ऑलरेडी पहले से ही आ चुके हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ. यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अगर आपके पास में VIP पास का इन्विटेशन आया है तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. हमारे पास में मतलब आया था तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो मेरे को मिल गया यहाँ से. अगर आपके पास में फ़ैन टिकट है तो आपको वहाँ से मिलेगा, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा. लेकिन वो जो है उसका टाइमिंग 4 बजे का है, उसके लिए आपको 500 पे करना पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी पहले से टिकट लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आके आपको टिकट मिल जाएगा. और यहाँ से VIP पास के लिए सिर्फ एंट्री है. यहाँ से इस तरह से आपको बैंड मिल जाएगा और ये बैंड लेके वहाँ से देखिए वो गेट से एंट्री है और वहाँ से अभी अंदर जाएंगे. अभी हमारी जो है एंट्री होने जा रही है. यहाँ से देखिए यहाँ से है एंट्री. सबसे पहले यहाँ से अंदर जाएंगे.
आई थिंक मैं सब क्रिएटर्स को बोलना चाहता हूँ कि लेट्स जस्ट क्रिएट एंड कॉन्कर। एंड यहाँ आके मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज जिस तरीके से आप सब ने इतने रील्स हो चाहे आपके कंटेंट हो जिस तरीके से क्रिएट किया हो, सबको यहाँ पे एक साथ आप लोग जो आए हैं, ये वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट है। सो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर एंड टू सी सो मेनी पीपल आउट हियर, फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स आउट हियर। इनको देख के और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस क्रिएट करते रहो चीज़ें। Thank you so much, brother. Thank you so much. Almost 15 million followers on social media, cracking up without me telling them to do so, feels like an achievement. So thank you so much. Thanks a lot. Thank you. CM sir, Maharashtra ke CM hai jo 24/7 logon ka kaam karte rehte hain. आज उनके घर में इमरजेंसी है इसलिए वो नहीं आ सके। उन्होंने बहुत बहुत माफ़ी मांगी है और उनका कहना आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा है। मैं हूँ शीतल माथरे, शिवसेना की डेप्यूटी लीडर हूँ और मैं शिवसेना की प्रवक्ता हूँ। मैं आपको उनकी बातें हैं वो कहना चाहती हूँ। उन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। उनका कहना है कि क्रिएटर्स यूनाइटेड फेस्टिवल नेस्को, यहाँ पे किसी को अपनी बातों में एंगेज रखने के लिए, उसे सम्मोहित करने के लिए बड़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है जो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। क्रिएटर यूनाइटेड 2024 के इस फेस्टिवल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ मौजूद सभी क्रिएटर्स और आप सभी को इस बढ़िया आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। Thank you very much. This award is very very special, fans favorite, and तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्रिएटर फेस्टिवल का इवेंट होता है या फिर यूट्यूब का इवेंट होता है तो उस इवेंट में आप कैसे जा सकते हो और आपको कैसे पता सबसे पहले चलेगा। आपको कोई ना कोई क्रिएटर के थ्रू पता चल जाएगा या फिर आपको ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल में आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें ऐड करना पड़ता है जैसा कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, यूट्यूब आईडी, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करके सबमिट कर देना पड़ता है और फिर उसके बाद में आपको ईमेल के थ्रू ही पता चल जाता है कि इस इवेंट में आपको आने का मौका मिला है या फिर नहीं मिला है। तो कुछ यही बेसिक सा फंडा रहता है, आपको हमेशा सोशल मीडिया पे अपडेट रहना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपके फोन पे मिल जाए। फिर मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।